फ्रेंड्स, आप भी है क्रिकेट के बड़े वाले फैन तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, क्योंकि क्रिकेट फैंस के लिए निकल के आ रही है बहुत ही बड़ी खुशखबर। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्या है वो खुशखबर, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे कि दोस्तों, कोरोना वायरस की महामारी के बाद अब धीरे धीरे क्रिकेट जो है वो अपनी पटरी पे लौट रहा है, उसी तरह से कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हो रहे हैं जो कि क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबर साबित होने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में बीसीसीआई की तरफ से एक खबर निकल के आ रही है कि आईपीएल 2020 के शुरू होने से पहले भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक छोटी सी टी20 सीरीज का आयोजन किया जा सकता है, और दोस्तों यह आयोजन अफ्रीका की सरजमी पे होने वाला है। हालांकि दोस्तों, इस पे अभी कोई ऑफिशियल मोहर नहीं लगी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यही खबर निकल के आ रही है कि भारत और अफ्रीका के बीच सीरीज होने वाली है। जैसे कि दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि मार्च महीने में भारत और अफ्रीका की वनडे सीरीज होने वाली थी, जिसका पहला वनडे बारिश की वजह से धुल गया था और दूसरा वनडे शुरू होने वाला था उससे पहले ही कोरोना वायरस की महामारी आ गई थी, जिसकी वजह से दोस्तों ये पूरी सीरीज कैंसिल हो गई थी। लेकिन दोस्तों, अब दोनों बोर्ड ने मिलकर इस सीरीज को रिज्यूम करने का सोचा है और इस सीरीज को अब साउथ अफ्रीका में शायद ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या इस सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जैसे खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है। तो दोस्तों, उसका जवाब है नहीं, क्योंकि दोस्तों इस वक्त आपको पता ही होगा कि भारतीय टीम में काफी ऐसे खिलाड़ी है जिसकी टीम में जगह अब सीमेंट हो चुकी है और धोनी और रैना के लिए अभी कोई भी जगह टीम में खाली नहीं पड़ी है। तो दोस्तों, अगर महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जो है वो आईपीएल 2020 में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तब जाके 2021 का जो वर्ल्ड कप है टी20 का, उसमें उसको जगह मिलने के कुछ चांसेस बनेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो के कमेंट में हमें जरूर बताइए कि क्या महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जैसे खिलाड़ियों को टीम इंडिया में एक बार खेलने का मौका मिलना चाहिए या फिर नहीं।